गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 9:15 और अभी मैं हूँ पहाड़ी बाखली में, और अभी हमारा केदारनाथ जाने का प्लान बन रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि ईजा बॉजी को भी ले जाऊँ, तो पप्पा ने तो अपनी रजामंदी दे दी है, लेकिन पप्पा कह रहे हैं कि मम्मी को भी ले चल साथ में। अब दिक्कत ये है कि एक तो गोर है और दूसरे हमारे, ये देखिए आप, दो जने ने जाओ ना जला हूं, दो जने भाइयों। अब उसी धाम में अगर ज्वाड़ में जाना जाए ठीक हूं, पप्पा मम्मी दुई है जान, या तो यह कर लू गोरगणी आमगणी मालकुड़ पुजा दिनू है मा पुजाओ तो कहने था माठू माठ मालकुड़ धर दी ने ताई जी वहां। अरे मैं का मालकुड़ धरता तालकुड़ जाने धरता मैं का मेर नहीं है रही रह जाली तू मैल रेडॉन में मैल धरता वाला वो नीलमाया धरता वाला ये टॉन पे कसम है। हां नीलमाया धर दियो पन्ने रे भयो। हां मैं पूछ कौन है वीगला मन है रो केदार ना जानो मन है रो इजो ना मैं के बोता मरी हूं मरी नहीं भयो मी भयो मरी मुर्द नहीं भयो मी मुर्द भयो ताकि हम बुढ़िया ली अशीक ला दी वहाँ पे कौन है अशीक का घर अशीक का घर है मैं हूँ। अब नहीं पढ़ने भाई यार, एक जनी तो गलत चाहिए रहे भाई यहाँ घर में ने। अब तुम सोच ही सकते अब खाली ना ना दूध देने गोर में छोड़ देता हूँ। वो छोड़ दियो ना कौन है गोरु ना है रहा है मक्का गोरु अलग ही कौन है अलग ही गोरु कौन है गोरु करोगे क्या होना मेरे घर दियो बाग ये ताया नहीं दे उठा कर यहाँ ताई द्वार कर जाओ गीता वहाँ धर दियो चले ना झाड़ जामा धर दियो ना क्या कहाँ कहाँ जा रहे मगर तू जा रहे ना मैं केदारनाथ मैं सब नाथ जा रही हूँ केदारनाथ बद्रीनाथ सब नाथ जा रही हूँ मैं एक नाथ जान बकाए रहा हूँ वो नाथ जन है जैसे है जैसे वो टाइम पर नहीं गई यार अम्मा ने मौका नहीं ना तो त्याग घर वाले तो फौजी है नहीं अरे बस जग मार गुहाई में लो कार बार का डूबी भाई क्या रोड डूबी हो जाओ सही बात नहीं वो करेंगे अपन देखिए हुन छोड़ी हुन अपन इलाज करी हुन करी हुन सही बात है यो नहीं हुन न्यू हुन नहीं अब ऐला तो सोचना हुन ली ने मैं गोरबाज मैं ना अंधेर भूख रह जाए ये ब्याह नहीं रह सकते भाव का ठीक सही बात है बहन के बिठाओ जो जो ना दिशा से जो ना ब्याह करूँ अब ना अंधेर ना अंधेर गोरबाज है ये ब्याह नहीं छोड़ का ठीक नहीं आप जानो कैसे आप कहीं जानो तो तभी बोलते हैं दोस्तों कि जवानी में थोड़ा बहुत घूम भी लेना चाहिए वरना बुढ़ापे में फिर यही पछतावा रह जाता है। अम्मा कह रही है कि मैंने कारबार करके कुछ नहीं देखा कहीं घूमी नहीं कहीं गई नहीं है ना आज हाथ फूट रह गई तो मैं कहाँ जाऊँ इस समय। इसका कहना भी बिल्कुल सही है। तो जब तक आपके पास मौका है आपकी ईजा बॉजी जवान है आपकी अच्छी जॉब है तो घूम लिया करो दोस्तों क्योंकि लास्ट में फिर आप सिर्फ पछतावा ही करते रह जाएंगे यार हम नहीं जा पाए मौका होते हुए भी नहीं जा पाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास मौका होता है कोई जा रहा होता है आपकी रिश्तेदारी में और आपसे कहता है कि चलो हो क्या हो गया तो आप नहीं जाते हो लेकिन चले जाना चाहिए दोस्तों है ना। बात बोल दिनों फिर अकल भूल जन्मो फिर जन्म भर पछताना नहीं फिर। कितनी सही बात और गहरी बात बोली है बाट भूल दिनों फिर मतलब अगर एक बार को आप रास्ता भटक गए तो दिन भर में मतलब एक दिन ही तुम्हारा खराब होगा शाम तक आप पहुंच जाओगे लेकिन अकल भटकी जन्म फिर पूरा अगर आपकी अकल ने टाइम पे काम नहीं किया तो पूरे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी के हिसाब से ये समझो। एक ही वाक्य में कितनी गहरी बात बोल देती है आमा सदा न फूल है तो रही सदा न सावन हो सदा न फूल है तो रही सदा न सावन हो सदा न जीवन थिर रहे सदा न जीव कोई। वाह क्या बात है अब इन्हों का यो सोचना चाहिए ना हैला यो बुढ़िया ले हमारी जी तू त्याग करो के नहीं हो रहा कि त्याग करो ना बाजा बोर्ड पे भाई हूं सलाह बोर्ड पे सलाह बोर्ड पे भाई हूं बाजा बोर्ड पे भाई कसी करी होना गुण होने ने मणि के नहीं हूं हैं मैं सो मैं केले नहीं करन देबो माता से माता को माता ना होन ना होन सही बात केदारनाथ इथान टोल धामा मो घर में बैठो मैंने तो बाबा व्यवस्था करो मेरे को पावा गीता पूजे दियो को कहे मैं तुम हूं बैक्शन ना जाली तू यहां पे ले जाला मेरे को गाड़ी में घर के उल्टी होने भाई तो यार बाद में ला जा ही सकने भाई हैं कदू बसने है था तुझे हैं कदू बसने है कोनी तुझे 2-4 साल बाद ने जान
अल्लाह जरूरी है। तो भाई सुबह के 9 बज रहे हैं और महारानी विक्टोरिया के आने का टाइम हो गया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक घाम आने के बाद ही अम्मा बाहर निकलती है। अब से किसी भी पल आप महारानी विक्टोरिया के चरण देख सकते हैं, साथ में ताज भी आने ही वाला होगा। ये आ गया है ताज यहाँ पे महारानी विक्टोरिया का ताज। ईश्वर का हाथ पकड़ पे ले जा तो तीर्थ में केदारनाथ आज क्या बना रहे हो? अरहर की दाल। तो भाई आज हमारे लंच में बनेगी अरहर की दाल। आज अरहर की दाल के साथ पुदीने की चटनी भी बनने वाली है। पप्पा यहाँ पे पुदीना तोड़ के ला गए हैं। पप्पा सब कमाग भाई यार ने। अरे सब सिलाई भर में नंदना का बता, सिलपट्टे में भी पीस लेने वाले हो। मेरा नंदना भाई बैठ भी कर रही हूँ घर पर, सी भाई नहीं होना खाली के कारण या शैनी दगा खाना ना हो यार। आज टमाटर और पुदीने की चटनी बनने वाली है। तो दोस्तों दिन के 10 बज रहे हैं और अभी मैं पहाड़ी बाखली में हूँ और अभी देखो हमारे साथ कौन है। मेरे दादा मुझसे मिलने के लिए आए हैं और दाद का आज गए शहर है दगड़ियों, एक खान ना पसंद है क्या गो नल। क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे दर्शकों को? क्या पता कोई वैद हो इनमें से। तो ये हमारे दादा, दादा एक गाना गाएंगे गैस होने की खुशी में। ये तो जहाँ गिरता है वो मांगना पाओ छुट्टा जल्दा फिर घास ही उगना बंद हो गया। उगना बंद हो गया, ये सब जमीन में क्या उगाएगा? चीड़ तो घास का दुश्मन हुआ, कुछ नहीं करता, ये पैदावार खत्म कर देता है। पवन पहाड़ी ब्लॉग में आपको ऐसी ठेठ पहाड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसको बोला जाता है गिनट, चौपर के टाइप का होता है। आपो सास दगा बात करो। हेलो नमस्कार, स्वास्थ्य पानी कसो रहो? अच्छा दवाई बूढ़ी चलिए भाई। तो इस औजार का नाम है दोस्तों गिनेट। गिनेट जो गिनाने के काम आए उसे गिनेट कहा जाता है दोस्तों। अब बहुत से मेरे मित्र सोच रहे होंगे कि शुथर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जो दिल्ली बम्बई में पले बड़े हैं उनको पता नहीं है कि शुथर क्या होता है। मैं बता देता हूँ, शुथर बोलते हैं बिस्तर को, मतलब मवेशियों के बिस्तर को सुथर कहा जाता है, ठीक है। तो गोरबाछों को शाम को अंदर बांधने से पहले न्यार पात किया जाता है, सुथर डाला जाता है, ठीक है, उनका बेड बिछाया जाता है। जैसे हम करते हैं ना, अच्छे से गद्दा बिछाते हैं उसके ऊपर में चादर बिछाते हैं, सेम ऐसी इनके लिए भी होता है। तो ये हुआ दोस्तों सुथर। यह आप देखिए, ये सूखी घास को सुथर कहा जाता है। सुथर कई तरीके के होते हैं, वो इसका भी बन सकता है, घास फूस का भी सुथर बन सकता है, या पिरूल का भी सुथर बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे रहते हो और कितने कामदार आप हो। पप्पा बता रहे हैं असली सुथर क्या होता है, बताओ। असली सुथर जो है हरा होता है, हरी सोनो। अच्छा वो बांस का पतेल? बांस का नहीं, बांस का पतेल तो होता ही है, वो सूखा पतेल हुआ, बांस का सूखे जो पत्ते होते हैं वो भी अच्छा हुआ। ये पिरूग हुआ, ये नयो हुआ, ये बेकार सुथर हुआ। अच्छा ये तो खराब जानवरों के नीचे बिछाना है, अब आदमी ला नहीं रहा तो करना हुआ, ज्यादा मात्रा में हो गया तो इनको बिछा दिया। हाँ। लेकिन असली सुथर ये होता है हरे सोमो, जैसे ध्यार जंगल में, दायापात, ध्यार धौल, ये तो काट हरी सुतर जो है बड़ी लागू। मतलब इसका एक फायदा भी होता है, जैसे अगर आप अपने सुथर में मुँह दोगे दगड़ियों तो आपको धोना पड़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ऊपर से आपकी बूत और बढ़ जाएगी। लेकिन ये सुथर में क्या होता है, रात भर गोर बाच बाकार गोंद गुबर करते हैं तो फिर वो घास में ऐसे मिक्स करके बढ़िया आपको कंपोस्ट खाद भी प्रदान करता है। तो सुथर की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी तो उतनी अच्छी खाद बनेगी आपकी।